बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था क्रामर रूल के थ्रू। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपने क्रामर रूल के थ्रू ही करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, सोल्व द सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस टू द इकलोन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड इकलोन फॉर्म। आपने पहले इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिसेस में कन्वर्ट करता है, देन इकलोन फॉर्म में और देन रिड्यूस्ड इकलोन फॉर्म में। ये तीन टर्म्स आपको क्वेश्चन में यूज होती हुई नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स, आपको इन टर्म्स को जानना ज़रूरी है कि ये टर्म्स हैं क्या, इनका मतलब क्या है इस क्वेश्चन में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैं आपको बताती हूँ कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। ये क्वेश्चन हमने लिखा है, इसे हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जो पहले हमने क्वेश्चन किए हैं वहाँ हमने इक्वेशंस को सिर्फ मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हम इन्हें ऑगमेंटेड मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने लगे हैं। जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिसेस में इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं तो हम वेरिएबल्स को इग्नोर कर देते हैं। वेरिएबल्स को इग्नोर करके बाकी की वैल्यूज़ का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स वन की जगह पे के साथ जो कोफिशेंट है वो वन आपको नज़र आ रहा है, माइनस एक्स टू के साथ जो कोफिशेंट है वो है माइनस टू, और एक्स थ्री के साथ जो कोफिशेंट है वो है माइनस टू। नेक्स्ट इक्वेशन में जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो सेकंड रो बनाकर आपने लिखनी है। एक्स वन के साथ जो कोफिशेंट है टू थ्री वन, एक्स थ्री के साथ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर वन लिखेंगे, फाइव माइनस फोर माइनस थ्री। नेक्स्ट स्टेप आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का क्या है कि आपने या तो यहाँ पे डॉट लगा लेना है या तो एक लाइन बना लेनी है, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी वो लिखनी है, माइनस वन वन वन। ये आपका बन गया है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमने इक्वेशन से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया है। अब हमने इस मैट्रिक्स को इकलोन फॉर्म और रिड्यूस्ड इकलोन फॉर्म कन्वर्ट करना है। ये जो टर्म्स हैं इसके स्पेलिंग देखें, इसके प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसे एशिलोन फॉर्म में पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे इकलोन फॉर्म में पढ़ते हैं, तो आप जैसे भी पढ़ना चाहें, प्रोनाउंस करना चाहें, आपकी मर्जी है। इकलोन फॉर्म क्या होती है, पहले हम इकलोन फॉर्म को देखेंगे। इकलोन फॉर्म हमारी है, कि आपने डायगनल एंट्रीज को वन वन बनाना है और डायगनल एंट्रीज के जो नीचे वाली टर्म्स होंगी, नीचे वाले नंबर्स होंगे, उनको जीरो जीरो बनाना है। एक दफा फिर सुने, इकलोन फॉर्म किस तरह से बनती है कि आपने डायगनल एंट्रीज को वन बनाना है और डायगनल एंट्रीज के जो नीचे एलिमेंट्स होंगे उन एंट्रीज को आपने ज़ीरो ज़ीरो करना है, ऊपर वालियों को कुछ नहीं करना। ये आपकी इकलोन फॉर्म होगी। जब हम इकलोन फॉर्म बनाएंगे तो हमारे जो मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, वन माइनस टू माइनस टू। मैंने आपको बताया कि आपने डायगनल एंट्रीज को वन वन बनाना है, यानी कि ऐसे, और यहाँ पे जो थ्री वन एज इट इज आएगा, और डायगनल एंट्रीज के जो नीचे वाली एंट्रीज होंगी उनको आपने ज़ीरो ज़ीरो बनाना है इस तरह से। और रिड्यूस इकलोन फॉर्म का क्या मतलब होगा कि आपने इस वाले पूरे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि डायगनल एंट्रीज को भी वन वन करना है, डायगनल एंट्रीज के नीचे वाली एंट्रीज को जीरो जीरो करना है और ऊपर वाली एंट्रीज को भी जीरो जीरो करना है इस तरह से, वन वन वन। इसके नीचे वाली एंट्रीज भी जीरो होंगी और ऊपर वाली एंट्रीज भी जीरो होंगी इस तरह से। आपने ये हमारी है रिड्यूस इकलोन फॉर्म। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं कि हमने ये फॉर्म बनानी किस तरह से है।
मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगी जैसे तो हमने मैट्रिक्स पहले बनाया है। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट का ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था, अब मैं उसी तरह से उसे लिख लूंगी। 1 -2 -2। स्टूडेंट्स हम फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख चुके हैं। अब हम इसे पहले इकलोन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद रिड्यूस्ड इकलोन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। पहले हम इसको इकलोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद रिड्यूस इकलोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बहुत एहतियात से आपने ये ऑपरेशंस करने हैं। हम ये रो ऑपरेशन के थ्रू कन्वर्ट करने लगे हैं। आप जितना संभल के ऑपरेशन करेंगे आपका क्वेश्चन उतना ही ईजीली होगा। आपको फुल फोकस करने की ज़रूरत है अपने क्वेश्चन पे, फिर ही आप जो है वो ये रो ऑपरेशंस कर सकेंगे। सबसे पहले आपने सबसे पहली एंट्री जो भी होगी अगर ठीक है, अगर वो 1 नहीं है तो आपने उसे 1 बनाना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी 1 है, तो हमें इसे 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट एंट्री को 1 बनाने के बाद आपने उसके नीचे वाली दोनों एंट्रीज़ को 0-0 बनाना है। वो किस तरह से बनाएंगे हम? अगर हम इन दोनों रोज़ को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे किसी भी तरह 0 नहीं आता। हमारे पास यहाँ पे 0 कैसे आएगा? अगर हम फर्स्ट रो को यानी कि 1 को 2 -2 से मल्टीप्लाई करें और फिर इस 2 में ऐड कर दें, फिर हमारे पास यहाँ पे 2 बनेगा। और अगर हमने 5 की जगह पे 0 बनाना है फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे दोनों रोज को ऐड कर देते तो हमारे पास 2 की जगह पे 0 आ जाता। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, हम इन दोनों रोज को ऐड नहीं कर सकते जब तक यहाँ हमारे पास -2 ना हो। हम यहाँ पे पहले -2 बनाएंगे यानी कि पहली रो को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस 2 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। हम अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। हमने सेकंड रो को चेंज करना है तो सेकंड रो पहले लिखेंगे। और करना क्या है? R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है और R2 में R1 को मल्टीप्लाई करना है -2 में और R2 में ऐड कर देना है। हम यही प्रोसीजर करने लगे हैं। स्टूडेंट्स फुल फोकस के साथ यहाँ पे आप देखिएगा कि हम किस तरह से कर रहे हैं। R1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, R2 को R1 को चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ लिखनी है। हमने R2 पहले लिखा है तो हम R2 को चेंज करेंगे, R1 एज इट इज़ लिखने, -2 -2 और -1। अब R2 की बारी आई, R1 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करें, -2 + 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब R1 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करना है, जब -2 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 में ऐड करेंगे, यही ऑपरेशन कर रहे हैं ना हम, तो ये हमारे पास आएगा +4 + 3 तो ये बनेगा 7। R1 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो R1 में हमारे पास -2 है, -2 को आपने -2 से ही मल्टीप्लाई करना है और फिर R2 में ऐड करना है 1, तो ये आएगा हमारे पास 4 + 1 = 5, यहाँ पे आ गया 5। यहाँ पे भी आपने करना है दूसरी साइड पे, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है R2 में, R2 क्या है 1, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 तो यहाँ आ जाएगा 3। नेक्स्ट थर्ड रो में हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, थर्ड रो को एज इट इज़ लिखेंगे। हमने अब देखे 1 के नीचे 0 बना लिया है, अब इसी तरह से 5 के नीचे भी हम 5 की जगह पे भी हमें 0 चाहिए, वो हम किस तरह से बना सकते हैं? उसमें भी हम 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इस 5 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। उसके बाद बाकी की तमाम एंट्रीज के साथ भी हम यही प्रोसीजर करेंगे। अब हमने R3 को चेंज करना है, R3 को चेंज करना है
माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करना है किसको, आर वन को, और ऐड करना है आर थ्री में। लेट्स स्टार्ट आवर ऑपरेशन। वन माइनस टू माइनस टू माइनस वन, जीरो सेवन फाइव थ्री, ये दोनों रोज हमने चेंज नहीं करनी थी तो हमने एज इट इज लिखी। नाउ हम थर्ड रो के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं। आर वन के साथ माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करें, वन के साथ माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे और फाइव में ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस फाइव प्लस फाइव, ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी सेम, माइनस टू के साथ जब आप माइनस फाइव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड किस में करना है, माइनस फोर में, ये आएगा टेन माइनस फोर, क्या बनेगा हमारे पास, सिक्स। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, माइनस टू के साथ माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस थ्री में ऐड करेंगे, ये बनेगा हमारे पास टेन माइनस थ्री, यहाँ पे आ जाएगा सेवन, ये हमारी लाइन। और यहाँ पे भी इसी तरह से कि माइनस वन के साथ हम माइनस फाइव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं वन में, तो ये आएगा फाइव प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा सिक्स। इसी तरह से अब हम, मैंने आपको बताया था कि पहले आपने डायगनल एंट्रीज को वन बनाना है, देन उसके नीचे जो जो टर्म्स होंगी उसको जीरो बनाना है। अब हमारे पास, हम फर्स्ट डायगनल एंट्रीज को वन और इसके नीचे वाली एंट्रीज को जीरो कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट डायगनल एंट्रीज की तरफ आने लगे हैं। हमारी वन के बाद जो नेक्स्ट डायगनल एंट्री है वो है सेवन। अब हमने सेवन को वन बनाना है, वो किस तरह से बनाएंगे, आप सेवन से डिवाइड करते हैं, सिंपल है, वन आ जाएगा। लेकिन अगर आप सेवन से डिवाइड कर देंगे इस रो को तो यहाँ पे आपके पास फाइव ओवर सेवन और थ्री ओवर सेवन बन जाएगा, जिनको कैलकुलेट करना बाद में, हमने अभी बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं, जब हम ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास ओवर में वैल्यूज होंगी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा सिंपल मेथड सोचते हैं कि इसके अलावा हम वन कैसे बना सकते हैं। हम अगर सेवन और सिक्स को माइनस करें तो क्या आएगा, वन। सेवन और सिक्स को माइनस कर लेते हैं, हमें प्लस वन चाहिए, माइनस वन नहीं चाहिए, इसलिए अगर हम सेवन माइनस सिक्स करें, सेवन माइनस सिक्स करें तो फिर आएगा वन, यानी कि आर टू माइनस आर थ्री करें फिर हमारे पास वन आएगा। इसी तरह से करेंगे, वन, अब आर वन को हम चेंज नहीं कर रहे, वो एज इट इज रहेगी, यहाँ पे माइनस वन, आर टू माइनस आर थ्री करेंगे, जीरो माइनस जीरो, जीरो एज इट इज, आर टू माइनस आर थ्री, यहाँ पे आएगा वन, आर टू माइनस आर थ्री, फाइव माइनस सेवन, तो ये आएगा माइनस टू। इसी तरह से यहाँ पर भी थ्री माइनस सिक्स, तो ये आएगा माइनस थ्री, नीचे वाली आर थ्री एज इट इज, सिक्स सेवन सिक्स। अब हमने डायगनल एंट्रीज को ज़ीरो बना दिया, हम इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं, तो इक्लोन फॉर्म में क्या करते हैं, डायगनल एंट्रीज के नीचे वाली एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाते हैं। अब हम इसके नीचे वाली एंट्रीज को ज़ीरो बनाएंगे, नीचे इसके सिक्स हैं, सिक्स को किस तरह से ज़ीरो बनाएंगे, आर थ्री को चेंज करना है तो वो पहले लिखेंगे, आर टू के साथ माइनस सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आर टू में ऐड कर देंगे, आर वन एज इट इज माइनस वन, आर टू चेंज कर रहे हैं हम, सॉरी आर थ्री चेंज कर रहे हैं हम, जीरो वन माइनस टू माइनस थ्री। अच्छा, और ज़ीरो में ऐड करें, ज़ीरो को जब
सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो ज़ीरो में ऐड होगा तो ज़ीरो। माइनस सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करें और सिक्स में ऐड करें तो ज़ीरो। माइनस सिक्स को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें, माइनस सिक्स को मल्टीप्लाई करें माइनस टू से और ऐड करें सेवन में, ये आएगा ट्वेल्व प्लस सेवन। ट्वेल्व प्लस सेवन हमारे पास होगा नाइनटीन। इसी तरह से आर टू को माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करें, यानी कि माइनस थ्री से माइनस सिक्स को मल्टीप्लाई करें और ऐड करें सिक्स में। इनको कैलकुलेट करें, एटीन प्लस सिक्स, एटीन प्लस सिक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर। अब देखें स्टूडेंट्स, अभी ये हमारे पास एक लोन फॉर्म नहीं बनी, क्योंकि हमने सिर्फ दो डायगोनल वैल्यूज़ को वन वन बनाया है। अभी थर्ड वाली रहती है, यानी कि नाइनटीन की जगह पे भी अभी हमने वन बनाना है। अब हम नाइनटीन की जगह पे वन बनाएंगे, उसके बाद हमारे पास जो नीचे वाली चीज़ है वो हमारे पास बन जाएगी इस मैट्रिक्स की इकलोन फॉर्म। अब हम इस 19 की जगह पे 1 बनाने लगे हैं। 19 की जगह पे 1 किस तरह से बन सकता है? हम किसी भी रोज दो रोज़ को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर लें, हम 1 नहीं बना सकते। इसके लिए हमें 19 को 19 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। चलें, आर थ्री को डिवाइड करना है 19 से, यानी कि 1 ओवर 19 से हम आर थ्री को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 1 माइनस टू माइनस टू, बाकी के सारी एलिमेंट रोज इसी तरह से रहेंगे, सिर्फ आर थ्री चेंज होगी। 0 1 माइनस टू, यहाँ माइनस वन माइनस थ्री। 0 आर थ्री में जब 0 ओवर 19 करेंगे तो 0, यहाँ पे भी 0 ओवर 19 0, 19 ओवर 19 यहाँ पे आ जाएगा 1, 24 ओवर 19 यहाँ पे 24 ओवर 19 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है ये इकलोन फॉर्म है। इकलोन फॉर्म बनाने के बाद अब हम मूव करते हैं रिड्यूस्ड इकलोन फॉर्म की तरफ। रिड्यूस्ड इकलोन फॉर्म में हम क्या करेंगे, इन एंट्रीज़ को ज़ीरो बनाएंगे। ये जो तीन एंट्रीज बचती हैं हमारे पास, इनको ज़ीरो बनाएंगे, तो फिर हमारे पास ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। नाउ मूव टू रिड्यूस्ड इकलोन फॉर्म। उसके लिए क्या करें, हमें माइनस टू की जगह पे ज़ीरो चाहिए। माइनस टू की जगह पे ज़ीरो किस तरह से आ सकता है? अगर हम वन को टू से प्लस टू से मल्टीप्लाई करें और माइनस टू में ऐड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह से करेंगे, आर टू को हमने मल्टीप्लाई करना है टू से और ऐड किस में करना है, आर वन में। हम आर वन की वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं ना, तो हम आर वन में ऐड करेंगे। आर वन को चेंज करेंगे, ज़ीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, जब ज़ीरो को वन में प्लस करेंगे तो वन। इसी तरह से जीरो टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू, प्लस टू माइनस टू ज़ीरो। यहाँ पे भी माइनस टू को प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से माइनस टू प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे माइनस टू में, यहाँ आएगा माइनस फोर, प्लस माइनस माइनस टू। इन दोनों को जब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स। इसी तरह से जब टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड किस में करेंगे, माइनस वन में, ये बनेगा माइनस सिक्स माइनस वन इक्वल्स टू माइनस सेवन। ये हमारी आर वन चेंज हो गई। अब हम आर टू और आर थ्री एज इट इज़ लिखेंगे, ज़ीरो वन माइनस टू माइनस थ्री, ज़ीरो ज़ीरो वन, ट्वेंटी फोर ओवर नाइनटीन एज। अगर यहाँ पे जो ओवर में वैल्यूज़ आए वो कट रही हो तो आप उन्हें काट भी सकते हैं। इसके बाद हम किसको ज़ीरो ज़ीरो बनाएंगे, माइनस टू को, और माइनस सिक्स की जगह पे हम ज़ीरो ज़ीरो बनाएंगे। वो किस तरह से बनेंगे, इस वन को यूज़ करेंगे हम, यानी कि इस वन को प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे
और माइनस टू में ऐड करेंगे। हम क्या करने लगे हैं, हम आर टू को चेंज कर रहे हैं, आर टू पहले लिखेंगे, वन को किससे मल्टीप्लाई करना है, टू से, और आर थ्री को टू से मल्टीप्लाई करना है। वन ज़ीरो माइनस सिक्स माइनस सेवन एज इट इज। अच्छा जी, आर टू को चेंज करने लगे हैं, ज़ीरो को टू से मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो को टू से मल्टीप्लाई करें और वन में ऐड करें, वन, ज़ीरो को सॉरी टू को वन से मल्टीप्लाई करें और माइनस वन में ऐड करें, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। इसी तरह से आर थ्री लिखेंगे, माइनस थ्री, सॉरी ये भी चेंज होगी, 24 ओवर 19। अब 24 ओवर 19 को टू से मल्टीप्लाई करना है और ऐड माइनस थ्री में करना है, 24 ओवर 19 को मल्टीप्लाई करना है टू से और ऐड करना है माइनस थ्री में, प्लस माइनस माइनस मैंने डायरेक्ट कर दिया। चलें जी, 24 ओवर 2 ये बनेगा 48 ओवर 19 माइनस थ्री। यहाँ पे अब इसका एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे, 19 इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने यहाँ माइनस सिक्स की जगह पे भी ज़ीरो बनाना है, यानी कि वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करना है और माइनस सिक्स में ऐड करने के बाद यहाँ पे ज़ीरो बन जाएगा। जब हम यहाँ पे ज़ीरो बनाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा माइनस सेवन है इसकी जगह पे चेंज आ जाएगा और माइनस थ्री की जगह पे भी चेंज आएगा जब हम ये वाला स्टेप कर रहे होंगे। नेक्स्ट आपने जो ऑपरेशन करना है वो ये है, आप आर वन को चेंज करेंगे इस तरह से कि आप सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस सिक्स में यानी कि आर वन में ऐड करेंगे, तो इसके बाद जो आपके पास वैल्यू जो फाइनल मैट्रिक्स आ रहा है वो ये होगा, 0 1 0 0 0 1, और उसके बाद यहाँ पे या इन दोनों की जगह पे कोई से भी नंबर चेंज होंगे। लेट्स सपोज करने आपके पास यहाँ पे 5 आ जाता है, 2 आ जाता है, 24 ओवर 19 आ गया, तो यहाँ इस साइड पे तो आपके पास आइडेंटिटी बन गई। अब आप देखें X1 यहाँ पे हम ये पूरा कॉलम जो था वो X1 का था, ये पूरा कॉलम X2 का था और ये वाला पूरा कॉलम X3 का था। अब फर्स्ट रो में अगर आप देखें तो सिर्फ X1 के साथ कोफिशेंट आ रहा है, यानी कि इस तरह से बन रहा है X1 प्लस 0 प्लस 0। अगर हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करें जिस तरह से हमें पहले क्वेश्चन में इक्वेशंस दी गई थी, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करते हुए बताया था कि हमें जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो हम अपने क्वेश्चन अपने आंसर को उसी फॉर्म में वापस लेके जाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हम कर रहे हैं, यहाँ पे X1 की जगह पे 0 है प्लस X2 के साथ 1 का कोफिशेंट आएगा प्लस 0 इक्वल्स टू 2 0 0, यहाँ पे X3 का कोफिशेंट 1 है, X3 इक्वल्स टू 24 ओवर 19। लें जी, अब हम इसको दूसरी तरह से लिखते हैं, हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू बना गए, X1 इक्वल्स टू 5, X2 इक्वल्स टू 2, X3 इक्वल्स टू 24 ओवर 19। स्टूडेंट्स मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये जो वैल्यूज़ आपके इक्वल्स के दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रही हैं ये आपकी वैल्यूज़ चेंज होंगी, मेरी वैल्यूज़ डिफरेंट आई हैं, बाकी मैंने आपको प्रोसीजर जो बताया है वो बिल्कुल सेम होगा। जब आप ऑपरेशंस करेंगे आपकी कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर होगी और मुझे भी लगता है कि इस क्वेश्चन में मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपकी वैल्यूज़ जो लास्ट पे आएंगी वो आपके X1, X2 या X3 की वैल्यूज़ होंगी, या फिर आपको जो वेरिएबल्स दिए गए होंगे उस हिसाब से आपकी वैल्यूज़ होंगी। अगर आपको XYZ दिया गया है तो उसकी वैल्यूज़ आएंगी, अगर X1, X2 या X3 दिए गए हैं तो आपकी उनकी वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में का सेकेंड वाला पार्ट है,
क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड वाला पार्ट है, उसमें आपने एक्स वाई जी की वैल्यूज फाइंड करनी है और थर्ड पार्ट में एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यूज फाइंड करनी है। काम आपने बिल्कुल सेम करना है, पहले आपने इसको इकलोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद रिड्यूस्ड इकलोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड वाला पार्ट है, इक्वेशंस आपको गिवन है एक्स वाई जी वेरिएबल्स में, आपने उनसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था, तो आपकी ऑलरेडी जो डायगनल एंट्रीज हैं वो वन वन है, आपको नज़र आ रही होंगी आपकी डायगनल एंट्रीज वन वन है। लेकिन जब आप इकलोन फॉर्म बनाने के लिए यानी कि इनके नीचे वाली वैल्यूज़ को ज़ीरो बनाने के लिए ऑपरेट करेंगे, तो ये आपके डायगनल वैल्यूज चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि कोई से और नंबर आने शुरू हो जाएंगे। आप इनको फिर से दोबारा से इनको वन वन के फॉर्म में लेके आएंगे और अपनी एंट्रीज को ज़ीरो ज़ीरो बनाएंगे। यहाँ तक आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास इकलोन फॉर्म बन चुकी है, यानी कि आपकी डायगनल एंट्रीज वन वन आ चुकी हैं और उसके नीचे वाली एंट्रीज ज़ीरो बना दी हमने। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रिड्यूस्ड इकलोन फॉर्म की तरफ मूव करवाना है। इकलोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने मजीद जो है, यहाँ तक आपने इकलोन फॉर्म में इसको रिड्यूस किया और यहाँ से आपकी रिड्यूस इकलोन फॉर्म शुरू हो गई, यानी कि आपने डायगनल एंट्रीज के ऊपर वाली वैल्यूज को ज़ीरो ज़ीरो करना है। हमने ऑपरेशन किए जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑपरेशन किए थे, तो इनके ऊपर वाली एंट्रीज को भी ज़ीरो ज़ीरो कर दिया। अब आप देखें, जब हमने इकलोन फॉर्म बनाई थी तो वहाँ पे हमारे पास फिर से एक्स वाई जी वेरिएबल्स में ही इक्वेशंस आ रही थी। ये यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जी में ही वेरिएबल्स में ही इक्वेशंस आ रही थी, यानी कि हमारे अभी ऊपर वैल्यूज़ पड़ी हुई थी, वो हमने ज़ीरो ज़ीरो नहीं बनाई थी। लेकिन जब हमने इसको रिड्यूस इकलोन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हम तक पहुँच गई। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड वाला पार्ट भी करना है। थर्ड वाला पार्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। सब इस क्वेश्चन में आपके लिए जो टर्म यूज की गई है वो है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या चीज है, इस टर्म में भी आपके पास दो टर्म्स यूज हो रही हैं, एक तो होमोजीनियस दूसरी लीनियर। एक आपके पास इक्वेशंस होती हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और दूसरी होती हैं होमोजीनियस इक्वेशन और थर्ड होती हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। जो हमने ऊपर इक्वेशंस को सॉल्व किया है वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस थी, यानी कि ऐसी इक्वेशंस जो ज़ीरो के इक्वल आपको नज़र आए वो आपकी होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं। होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जो ज़ीरो के इक्वल हों वो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं। जबकि हमने जो ऊपर हमने वन टू और थ्री क्वेश्चंस किए हैं, इनमें आप देख लें हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जो ज़ीरो के इक्वल हो। अगर तो सारी की सारी इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल हैं तो वो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है। दूसरा, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर तमाम वेरिएबल्स की डिग्री वन है। ऊपर वाली इक्वेशन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस थी, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर फोर में आपको जो इक्वेशंस गिवन है वो आपकी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। आपने इन दोनों का डिफरेंस को याद रखना है, सोल्व आपने इसी तरह से करना है, यानी कि आपने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे आपको मेथड नहीं बताया कि आपने इनवर्स मेथड से करने हैं, क्रामर रूल से करने हैं, इकलोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है या नहीं करना, या रिड्यूस इकलोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है या नहीं करना। अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उन तीन क्वेश्चंस में हमने चार मेथड किए हैं। फर्स्ट हमने पहले एक्सरसाइजेस में किया था इनवर्स वाला, सेकेंड हमने किया है क्रामर रूल, थर्ड हमने किया है इकलोन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड इकलोन फॉर्म। इन तीनों में से जो मेथड आपको इजी लगता है आपने उस मेथड के थ्रू क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने इसमें एक्स वाई जी और एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री वेरिएबल्स हैं, आपने उनको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव। ये क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या हमसे पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम्स हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस
आल्सो सोल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब एक चीज, अब हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म यूज हुई है, वो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल किस चीज को कहते हैं पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम नॉन ट्रिवियल की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स देखें कि ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। होमोजेनियस इक्वेशंस ऑलवेज हैव ट्रिवियल सॉल्यूशंस, यानी कि जो होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं, जीरो जीरो के इक्वल इक्वेशंस होती हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हमारे पास आएंगे वो भी ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होंगे, यानी कि जीरो। ट्रिवियल किसी चीज़ का एंडिंग पॉइंट होता है, जैसे टर्मिनल, हम किसी भी पॉइंट का टर्मिनल, ये स्टार्टिंग है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है इस लाइन का, तो जो टर्मिनल पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे वो चीज़, वो लाइन, वो चीज़ वो पे ख़त्म हो रही होती है, वो उसका टर्मिनल होता है। जो ट्रिवियल का वर्ड है वो टर्मिनल से ही निकला है, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, वो ख़त्म हो रहा है, यानी कि वो ज़ीरो है। इसी तरह से अगर हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की तरफ आए, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, के अगर जो इक्वेशंस हमारे पास हैं उनका वो ज़ीरो, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस जो हमारे पास होंगी उनका जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। जो एक दफ़ा फिर सुन लें, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में डिफरेंस क्या होगा, कि जो होमोजेनियस इक्वेशंस होंगी, यानी कि जीरो जीरो के इक्वल इक्वेशंस होंगी, उनका सॉल्यूशन ट्रिवियल होगा, यानी कि एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो ज़ीरो ज़ीरो होंगी, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो आएंगी। और जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का आता है, यानी कि जो इक्वेशंस ज़ीरो के इक्वल नहीं होती, उनकी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कोई भी नंबर के इक्वल गिवन होती हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो भी कोई ना कोई नंबर ही आता है काउंटिंग में, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 7 कुछ भी। लेकिन जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें एक्स वाई जी की वैल्यूज़ जो होती हैं वो ज़ीरो ज़ीरो आती हैं। पहले जो हमने तीनों क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर जो हमारे पास एक्स एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ आती थी वो नॉन ट्रिवियल होती थी, यानी कि नंबर्स होते थे। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया है, यहाँ पे भी देखें, एक्स वन की वैल्यू 5 है, ये भी नॉन ट्रिवियल है। एक्स टू की वैल्यू 2 है, नॉन ट्रिवियल है। एक्स थ्री की वैल्यू 24/19 है, नॉन ट्रिवियल है। यानी कि यहाँ पे जो हमें इक्वेशंस गिवन थी वो भी नॉन होमोजीनियस थी, तो उनके सॉल्यूशंस भी हमारे पास नॉन ट्रिवियल आए। अब हम होमोजीनियस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और उनके जो सॉल्यूशन आएंगे वो भी ट्रिवियल आएंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैंने अच्छी तरह से आपको अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की है, होपफुली यू विल बी अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिखूंगी मैं, पहले इक्वेशंस लिखूंगी, एक्स प्लस वाई प्लस जी। एक और चीज़ स्टूडेंट्स नोट कर लें कि आपके पास जितने वेरिएबल्स होते हैं आंसर्स भी उतने ही आते हैं, यानी कि उतनी ही वैल्यूज आती हैं। हर वेरिएबल के लिए आपको वैल्यू चाहिए होती है, तो जितने वेरिएबल्स आपके होंगे आप उतनी ही वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकेंगे। इफ़ यू हैव टू वेरिएबल्स देन द आंसर्स विल बी 2, इफ़ यू हैव मोर देन 2 देन आंसर्स विल बी मोर देन 2। इसी तरह से अगर आपके पास एक वेरिएबल आएगा तो आपके पास एक ही आंसर आएगा। यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल्स दिए गए हैं जो हमने पहले इक्वेशंस की हैं, इसीलिए आपके पास तीन तीन आंसर आ रहे थे। अब हमें मज़ीद तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चाहिए और एक लैम्डा की वैल्यू चाहिए। उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि सोल्व द फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। पहले तो वेरिएबल्स की वैल्यू, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू, यानी कि हमारे पास चार आंसर्स आएंगे। आपने इनको पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम किस तरह से कन्वर्ट करते थे कि जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो कोफिशेंट्स लिखे होते हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाना है आपने। 2, 1, -λ, x, 2, -2। जो हमने पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे उसमें हम लाइन लगा के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ लिखी होती थी वो लिखते थे, लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन से सारी वैल्यूज़ ज़ीरो ज़ीरो हैं। हम इन वैल्यूज़ के साथ जो भी ऑपरेशन करें वो ज़ीरो ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, इसलिए इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमने पहले जितने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए मैनी मेथड्स पढ़े हैं। सबसे पहले इन्वर्स मेथड हमने यूज़ किया था,
हमने एक्सपेंशन भी यूज़ की है, क्रमर रूल भी किया है, उसके बाद इक्लोन और रिड्यूस इक्लोन फॉर्म भी की है। इस तरह से हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। अब हमें इन्हीं में से कोई सा एक मेथड लगा के हम अपने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैं एक्सपेंशन करूँगी स्टूडेंट्स। एक्सपेंशन थोड़े से इन तमाम प्रोसेस में से ईजी है। आप चाहें तो क्रामर रूल यूज़ करें, आप चाहें तो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके करें, आप चाहें तो कोई भी मेथड यूज़ करके ऑपरेशंस करके आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ लैम्डा फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो वो हमें जैसे भी आसान लगेगा हम वैसे करेंगे। नाउ स्टार्ट्स इट्स सॉल्यूशन। मैं एक्सपेंड करने जा रही हूँ आर वन के थ्रू, एक्सपेंड बाय आर वन। आर वन के थ्रू हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, बाकी की जो रिमेनिंग वैल्यूज रह जाएंगी उनको डिटर्मिनेंट की शक्ल में फाइंड करें, लिखेंगे 1 2 माइनस लैम्डा माइनस टू। माइनस सेकेंड वाली टर्म के साथ फार्मूले में माइनस आता है 1, ये वाला 1 लिखा। अब इसकी रो और इसके कॉलम को आपने छुपाना है। वो किस तरह से? उसके बाद जो बाकी की भी एंट्रीज रह जाएंगी वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेनी है, 2 1 माइनस लैम्डा माइनस टू। इसी तरह से थर्ड वाली टर्म के लिए भी लिखेंगे, थर्ड वाली टर्म के साथ प्लस आता है, बाकी की जो रिमेनिंग एंट्रीज बच जाएंगी वो लिखेंगे, रिमेनिंग एंट्रीज आर 2 1 1 2। अब हम इसको सोल्व करते हैं। माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू माइनस टू, माइनस फार्मूले का 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस 2 लैम्डा। माइनस ये वाला 1 को हम नहीं लिख रहे क्योंकि 1 को जिस भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म आ जाएगी हमारे पास। माइनस 2 2 4 माइनस लैम्डा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा आ जाएगा। अब थर्ड टर्म को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 2 2 4 माइनस 1 1 1 माइनस 2 प्लस माइनस 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 प्लस 2 लैम्डा। अब इसी तरह से ये वाली वैल्यूज को भी प्लस 4 माइनस लैम्डा, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस 3। स्टूडेंट्स हमें अपने लैम्डा की वैल्यू चाहिए, ठीक है? हम लैम्डा के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसको करेंगे माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो ये आएगा हमारे पास 5 प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा। बिकॉज इक्वेशंस आर होमोजीनियस देन दिस सॉल्यूशन विल बी ट्रिवियल। इफ सॉल्यूशन विल बी ट्रिवियल विल से 5 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इस तरह से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में भी। एक दफ़ा फिर सुने, हमने इस मैट्रिक्स को, अगमेंटेड मैट्रिक्स को 0 के इक्वल क्यों रखा था? वो इसलिए क्योंकि इक्वेशंस जो हैं हमारे पास वो होमोजीनियस हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशंस से हमारे पास जो अगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा वो भी होमोजीनियस बनेगा। ड्यू टू होमोजीनियस इक्वेशंस मैट्रिक्स एंड देन ऑल प्रोसीजर विल बी इक्वल्स टू 0। If the equations are homogeneous, then the solution must be trivial. If the solution will be trivial, we can say 5 plus lambda equals to 0. हमें lambda की value चाहिए, बाकी की values को दूसरी side पे लेके जाएंगे तो ये आएगा minus 5. Students, हमारे पास lambda की value आ चुकी है minus 5. मैंने आपसे पहले कहा था जितने हमारे पास variables होते हैं हमारे पास उतनी ही values आती हैं। हमारे पास यहाँ पे एक lambda था तो हमारे पास एक ही वैल्यू आई है। अब हम ये जो हमारे पास वैल्यू आई है हम अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पुट करेंगे। अब इस वैल्यू को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पुट करने के बाद हम अपने एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास आई है इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पुट करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पुट करने के बाद हम अपने रिमेनिंग वेरिएबल्स एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करेंगे। Now put lambda equals to minus 5 in the matrix. 1 1 1 2
टू वन, माइनस लैम्डा की जगह पे हमारे पास आएगा माइनस फाइव, सॉरी प्लस फाइव, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट फाइंड की है लैम्डा की वैल्यू, लेकिन हमारे पास गिवन है माइनस लैम्डा। जब माइनस लैम्डा को लैम्डा की जगह पे पुट करेंगे तो ये आएगा फाइव, वन टू माइनस टू। अब आप यहाँ पे ज़ीरो 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 कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको एक्स वाई और जी की वैल्यू चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ना करें, मैंने आपको पहले भी रीज़न बताई है कि हम किस वजह से नहीं करेंगे। इसके बाद आप इस मैट्रिक्स को इकलोन फॉर्म में कन्वर्ट करें, देन रिड्यूस इकलोन फॉर्म में कन्वर्ट करें, देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड सी। आई विल शो यू, आपको वन चाहिए, मैं सिर्फ आपको ऑपरेशन करके दिखाऊंगी, मतलब ऑपरेशन लिख के दूंगी, आपने उसके बाद जो सारा कैलकुलेशन है वो खुद करनी है। फर्स्ट डायगनल वैल्यू जो है, फर्स्ट डायगनल वैल्यू जो है वो वन है, उसके नीचे वाली वैल्यूज़ को ज़ीरो ज़ीरो करेंगे, उसके बाद सेकंड डायगनल एंट्री को ज़ीरो करेंगे और उसके ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज़ को ज़ीरो करेंगे। इसी तरह से थर्ड डायगनल वैल्यू को भी ज़ीरो करेंगे और उसके ऊपर वाली वैल्यूज़ को ज़ीरो करेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। मैं दोनों दोनों स्टेप जो हैं वो एक ही स्टेप में करूंगी, मतलब कि दो स्टेप को कंबाइन करके एक ही स्टेप में करूंगी। मेरी काफ़ी प्रैक्टिस है, आप भी करेंगे तो आपसे भी इंशाल्लाह हो जाएगा। आर टू को जब चेंज करना है तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करना है, आर वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करना है और आर टू में ऐड करना है। इसी तरह से जब आपने वन को ज़ीरो बनाना है तो वो कैसे बनाना है, आर टू माइनस आर वन, आर थ्री करेंगे, आर थ्री को चेंज करना है तो वो पहले आएगी और आर टू बाद में। अब हम करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ऑपरेशन किए अपने सॉल्यूशन में, हमें फर्स्ट डायगनल वैल्यू वन दी गई थी, हमने इस पूरे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था, ऑपरेशन परफॉर्म किए। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास, हम थर्ड ऑपरेशन की तक आए तो यहाँ पे आप देखें थर्ड वाली जो रो है वो कंप्लीट ज़ीरो ज़ीरो है। यहाँ पे हम ज़ीरो को वन नहीं बना सकते, अगर हम यहाँ पे वन बनाना चाहें हमें बाहर से कोई नंबर करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि इस पूरी रो में वन को ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमारे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के रूल्स में नहीं आता। हम इस तरह से ख़ुद से कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हम खुद से बाहर से कोई नंबर ऐड कर लें, जिस तरह हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा कोई रूल नहीं है, हम यहाँ पे खुद से कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते। इसलिए अब हम अपनी जो वैल्यूज़ आई हैं उनकी तरफ चलते हैं कि हम किस तरह से वैल्यूज़ को, एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन मैट्रिक्स से अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। एक्स वन का कोफिशेंट है वन, एक्स टू का ज़ीरो प्लस एक्स थ्री का कोफिशेंट है फोर, एक्स थ्री का इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज इक्वेशंस आर होमोजीनियस। देन एक्स वन का कोफिशेंट है ज़ीरो, एक्स टू का कोफिशेंट है वन और एक्स थ्री का कोफिशेंट है माइनस थ्री, इक्वल्स टू ज़ीरो। लास्ट वाली रो ज़ीरो है इसलिए यहाँ से कोई भी नहीं निकलेगा टर्म, कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। अब आप देखें जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में भी आ रहा है और सेकेंड इक्वेशन में भी आ रहा है, यानी कि अगर हम x1 की वैल्यू को फाइंड करें, x1 इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स थ्री, एक्स टू इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री, इस तरह जब हमारे पास कोई वेरिएबल दो दफ़ा x3, x2 या x1 हमारे पास दो दफ़ा आ जाए तो हम जो यूनिक वेरिएबल्स होते हैं एक एक दफ़ा वाले, तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब हम उनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक वेरिएबल, जिस जो इक्वेशन हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो आती है वो वाला वेरिएबल हमारे पास सर्कुलेटरी पॉइंट कहलाता है। स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट में कहा था कि अगर हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो होमोजीनियस हैं तो उनका जो आंसर आएगा वो भी ट्रिवियल आएगा, लेकिन हमारे पास आप देखें जो आंसर आ रहे हैं वो तो ट्रिवियल नहीं है, यानी कि ज़ीरो के इक्वल आंसर नहीं आ रहे। तो हमने ज़ीरो के इक्वल आंसर लेके आने हैं, वो किस तरह से लाएंगे, हम फोर को तो ज़ीरो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते बिकॉज फोर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो।
हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, जो हमारे पास वेरिएबल होंगे उनको हम लेट कर लेंगे कि वो ज़ीरो है। जब हम उन वेरिएबल की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो फोर से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह से एक्स थ्री फोर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। द सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, यहाँ पे लिखे हैं द सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रिवियल, सो फार ट्रिवियल सोल्यूशन सोल्यूशन एक्स थ्री शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो एक्स वन का आंसर आएगा ज़ीरो। इसी तरह अगर हम एक्स सेकेंड इक्वेशन में एक्स थ्री की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स टू का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। स्टूडेंट्स, हमने फाइंड कर लिया कि होमोजीनियस इक्वेशन में हमारे पास कोई भी ऐसा कंसिस्टेंट नंबर ज़रूर आएगा जिसकी वजह से हम उस वैल्यू में ज़ीरो पुट करेंगे और क्वेश्चन को का ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे।